आप लोगों ने साइबर क्राइम का नाम सुना है? सुना होगा, आजकल तो बहुत ज़्यादा मतलब हवा लग चुकी है इस टॉपिक को, और बहुत सारे लोग साइबर क्राइम का चपेट में भी आ चुके हैं साइबर क्राइम की। तो क्या है बेसिकली साइबर क्राइम? हमें पता भी है, नहीं भी पता है। पता है क्या होता है? अधूरा ज्ञान ना हो तो अच्छा है, उस तरह का टॉपिक है आज मेरा। तो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि साइबर क्राइम बेसिकली क्या है। अगर आप लोगों के साथ में हो भी रहा है पर आप लोग अनदेखा कर रहे हैं उसे, तो किस तरह से उसे बचें। तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मिसेज दीपिका देवान। मैं हूँ आपकी दोस्त दीपिका। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप लोगों के साथ में साइबर क्राइम जैसी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम लोग उससे कैसे बच सकते हैं या उससे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग आज इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो बेसिकली साइबर क्राइम क्या है कि अगर आपको कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों को कुछ मतलब गंदी बात बोल रहा है, कोई भी जैसे लाइक सोशल मीडिया में सब चीज़ें आप ले सकते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, पब्लिकली सोशल मीडिया पे पब्लिकली आपको या प्राइवेट होके आपको कुछ भी आपको डरा धमकाने की या आपको अब्यूज़ कर रहा है कोई बंदा, तो वो सब कुछ साइबर क्राइम के अंदर आता है। हैकिंग जो होती है वो सब साइबर क्राइम के अंदर आती है। इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी क्राइम्स हैं वो सब साइबर क्राइम के अंदर आते हैं। तो पता ही क्या होता है, आधे से ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता कि अगर आपको किसी ने अब्यूज़ कर दिया, सपोज यूट्यूब पे या आपको फेसबुक पे या फिर आपको जो भी आप यूज़ करते हैं सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी आपके पास है, व्हाट्सएप, जो भी है, तो वो सब पे अगर आपको किसी ने सपोज डरा रहा है, कोई बंदा आपको धमका रहा है, अब्यूज़ कर दिया, आपको उसकी बात बुरी लग गई लेकिन आप अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर रहे या किसी भी पार्टनर से शेयर नहीं कर रहे, आपको लग रहा है कि यार अब मैं क्या करूँ, इसने तो मुझे ऐसे कर दिया, आप उसको ब्लॉक मारते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं करते, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते। अगर वो बंदा फिर आगे आके आपको और परेशान कर रहा है, आपके लिए ट्रबल हो जाती है कभी कभी बहुत ज़्यादा लंबी, तो आप क्या करें, कैसे उस चीज़ से छुटकारा पाएं? तो गाइज़ मेरे साथ भी आपको मैं बताऊं, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी उसके बाद में जब मेरे को इतना नॉलेज नहीं था फेसबुक इन सब से रिलेटेड, मतलब इंटरनेट से रिलेटेड बहुत कम मैं नॉलेज मुझे नॉलेज था, और ऑब्वियसली 12th अब तो बहुत है लेकिन जब हमारे टाइम था तब हम लोग 2010 में, तब इतना पॉपुलर नहीं था इंटरनेट, था लेकिन जैसे कॉलेज वाले बच्चे इंटरनेट एक बहुत बड़ी चीज़ समझी जाती थी कि अच्छा यार इंटरनेट यूज़ करती है, इवन इंटरनेट पैक भी किसी के मोबाइल में होता है ना तो वो बड़ा मतलब हाई फाई बंदों में काउंट होता था, तो ऐसी चीज़ थी। तो हम लोगों को कॉलेज में सिखाया गया था नया नया फेसबुक यूज़ करना, तो इतना नहीं थी अवेयरनेस कि क्या है, बेनिफिट्स पता थे बट उसके जो बोलते हैं ना डिसएडवांटेज वो मुझे नहीं पता थे। तो मैंने भी मतलब आप लोग ऐड करते रहते हैं, जिसको भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है बंदा उसे मैंने ऐड किया, तो इस तरह से क्या हुआ, एक बंदे ने मतलब मुझे मैसेज करता है कि मैं आप लोग आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। मैंने उसको मैसेज किया कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ या मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी से फ्रेंडशिप करने में, तो उसने क्या किया, मेरी आईडी हैक कर ली और फिर मैंने सेकेंड आईडी बनाई, उसने फिर से वही चीज़ की रिपीट, थर्ड पे भी उसने वही चीज़ की। तब मेरे को इतना नॉलेज नहीं था कि मैं क्या करूँ, मतलब वो चीज़ होते होते 2 ईयर्स हो गए और मुझे ये नहीं पता कि मैं करूँ क्या। मैंने ठीक है, मैं सिंपल सा हम लोग जो बचपना होता है वो इसको ऑफ किया, आईडी को सेकेंड आईडी बनाई, फिर उसे ऑफ किया, फिर थर्ड बना ली, तो ये चीज़ मेरे साथ हुई। मैंने सोचा यार अब ये पीछे ही लग गया। फिर क्या हुआ, उसने मेरे को गालियाँ दे दी, मतलब लिख के उसने मेरे को एक गाली वाला मैसेज फॉरवर्ड कर दिया। तो ये जो भी मैं वीडियो आप लोगों के बना रही हूँ, तो प्लीज़ जो अवेयर नहीं है बच्चे स्पेशली, हम मतलब कॉलेज वाले या जो भी स्कूल वाले बच्चे जो मुझे देख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए मैं स्पेशली ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मेरे साथ ये चीज़ हुई है तो मैं शेयर करना चाहती थी आप लोगों के साथ में। तो गाइज इसमें क्या होता है कि ये लोग आपको मैसेज करेंगे, अब उसने मुझे जब गाली दी तब मेरा मतलब थोड़ा नहीं होता आँखें खुल गई कि यार ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, जब कोई गाली मुझे दे के चला जाता था तो मेरा दिमाग ख़राब होता था। फिर मैंने सोचा इसको तो बंदे को ऐसे तो मानेगा नहीं है और इसको मुझे कुछ ना कुछ इसका ट्रीटमेंट करना है आज, तो मैं गई। अब सबसे पहले अगर ऐसी कोई चीज़ आपके साथ होती है तो प्लीज़ आप डरे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ना डरे, अपने पेरेंट्स से शेयर करें जाके, क्योंकि ऑब्वियसली ठीक है अगर आप गलत भी हैं तो आप अपने पेरेंट्स से शेयर करें, वो आपको मार लेंगे, पीट लेंगे, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करेंगे बट आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। लेकिन अगर पता है क्या होता है, इसी तरह से आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी आज
आजकल जो क्राइम पेट्रोल है उस पे आता रहता है कि लोगों को पता नहीं था उसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया या उसने उसको परेशान किया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बहुत सारे मतलब साइबर क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ हम अपने पेरेंट्स से खुल के बातें शेयर नहीं करते। तो अगर आप बच्चों आपके पास में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपके मतलब जो भी घर में है इस तरह से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो प्लीज़ जाके अपने पेरेंट्स से शेयर करो। अगर अपने पेरेंट्स से शेयर करते हुए भी डर लग रहा है तो अपने घर के बड़े भाई बड़े बहन जो भी आपके साथ में है उनसे शेयर करो, बट प्लीज़ किसी बड़े को बताओ, क्योंकि जो आप सोचते हो आप अपने फ्रेंड्स से शेयर करोगे तो फ्रेंड्स आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि फ्रेंड्स भी आपके लेवल के ही हैं। तो फ्रेंड्स से शेयर करने के बारे में बिल्कुल मत सोचना, अपने घर के किसी बड़े के साथ में ये बातें शेयर करो, उनसे जाके हेल्प लो, उन वो लोग जो बोलें उससे स्टेप्स लो, वो जैसे बता रहे हैं वैसे वैसा करते जाओ। इसके लिए क्या होता है, एक पूरा प्रोसीजर होता है, इसमें आपकी एक मतलब पुलिस कंप्लेन आप लोग करेंगे, पुलिस कंप्लेन जब हम लोग करते हैं तो पुलिस वाले साइबर क्राइम वालों को ये रिपोर्ट भेजते हैं और साइबर क्राइम वाले फिर इसके पूरी इंक्वायरी होती है आपकी इंटरनेट से रिलेटेड, वो आईपी एड्रेस ट्रेस करेंगे उस बंदे का, उसको जो आपकी आईडी होती है उसे वो लोग अपने कंप्यूटर में फीड करते हैं और उसमें जो भी उसके ऊपर जो भी मतलब लाइव कुछ भी काम हो रहा है उस आईडी से रिलेटेड कोई भी मैसेज आ रहा है या वो सब उनकी वो ट्रैक करते हैं हर एक चीज़। और अगर उसमें कोई भी सिंगल पर्सन कोई भी एक्टिविटी वो लोग देखते हैं तो उसी टाइम वो उस बंदे को पकड़ लेते हैं उसका आईपी एड्रेस ट्रेस करके। तो मेरे केस में भी यही हुआ था, आपको मैं बताऊं 1 ईयर तक तो मतलब पुलिस के मैं चक्कर काटती रही क्योंकि पुलिस को भी इतना नॉलेज नहीं था। सीरियसली टेलिंग यू गाइस, हमारे इंडियन पुलिस में ऐसे ऐसे लोग हैं 10th पास करने के बाद में हैं, उनको ये नहीं पता आईपी एड्रेस क्या है ये क्या है। तो प्लीज़ अगर आपके साथ में भी ऐसा है तो स्पेशली आप उनसे बोलिए कि जो साइबर क्राइम वाला बंदा है मुझे उससे बात करनी है, क्योंकि वो नहीं समझ पाते हैं। मेरे साथ ये चीज़ हुई थी, मैं पुलिस वालों को बता बता के थक चुकी थी कि सर ये हुआ है ये हुआ है, वो बोलते हैं अच्छा ये क्या हुआ, फिर आपने आईडी से उसको डिलीट क्यों नहीं किया, ब्लॉक क्यों नहीं किया, वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब जो मतलब बोलते हैं ना जिनका कोई वजूद नहीं है वो वाली चीज़ें वो लोग कर रहे हैं मेरे से बात कर रहे हैं। तो मैं फिर लास्ट में जाके कोई एक दो बंदे थे जो साइबर क्राइम से थे और इसी फील्ड में वर्क कर रहे थे तो उन सर के पास में गई, उन्होंने मेरी पूरी प्रॉब्लम सुनी। उनका नाम था आई थिंक गजेंद्र जी समथिंग कुछ थे वो, और जयपुर से मैंने ये किया था। और उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगी। सीरियसली मैंने मेरे पेरेंट्स को बताई सबसे पहले, तो उसके बाद हम लोगों ने केस फाइल किया और उसके बाद में क्या हुआ, जहाँ पे जब पुलिस वालों ने उसको ट्रैक किया और उसको बंदे को जहाँ पे मतलब वो जॉब कर रहा था इवन ऑफिस में काम करते हुए उसको कॉलर पकड़ के पुलिस वालों ने उठा के लेके आए और उसे बहुत पिटाई हुई। उसके बाद उसके पेरेंट्स आए हमारे घर में और उन लोगों ने मतलब बोला कि आप लोग प्लीज़ पैसे ले लो हमसे और उसे हमारे बच्चे को छोड़ दो, कंप्लेन वापस ले लो, बहुत सारे। और इवन वो लड़का ऐसा था कि बहुत ही एक तो मिडिल क्लास से फैमिली से बिलोंग करता था, प्लस उसके जो पेरेंट्स थे वो बहुत मतलब सीधे साधे टाइप नहीं होते वैसे थे, वो बोलते हैं हमें तो पता भी नहीं है बेटा ये क्या होता है क्या इस तरह का है। तो गाइज ये मतलब इस तरह का होता है कि हम लोग हमें खुद को नहीं पता, इवन हम भी हो सकते हैं उनकी जगह कि प्लीज़ इस चीज़, इसीलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रही हूँ कि अगर आप किसी को सोशल मीडिया पे कुछ भी लिख रहे हो ना उससे पहले आप सोच लो कि आप क्या लिख रहे हो कैसे लिख रहे हो, क्योंकि जो उसके बाद में अगर उसने किसी भी चीज़ से या किसी भी बात को बुरा मान के आपकी कर दी ना तो फिर आप सीधा आपको जेल मिलेगी, आपको पुलिस वाले आएंगे आईपी एड्रेस, फिर जैसे आप ब्लॉक कर दो आईडी कुछ भी कर दो प्लस पुलिस वाले आपको ढूंढ लेंगे किसी ना किसी तरीके से। तो गाइज ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मैं आप लोगों के साथ में बहुत लंबे टाइम से शेयर करना चाहती थी। तो अगर आपके घर में भी बच्चे फेसबुक व्हाट्सएप सोशल मीडिया कुछ भी यूज़ कर रहे हैं ना तो प्लीज़ आप या तो उन पर नज़र रखें, अगर पेरेंट्स मेरे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों पर नज़र रखें, उनकी जो भी सोशल मीडिया सोशल एक्टिविटी जो भी है इंटरनेट पे आप उन पे बिल्कुल नज़र रखें और हिस्ट्री देखते रहें, उनके कुकीज़ जाके चेक करें। अगर आपको नहीं पता कुकीज़ ये सब कैसे चेक करते हैं, क्योंकि क्या होता है बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं तो वो लोग जाके हिस्ट्री डिलीट कर देंगे कुकीज़ डिलीट कर देंगे, आपके पास कुछ नहीं है देखने को कि बच्चे ने किया क्या। तो आप या तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए, आजकल मार्केट में 1000-1500 से रिलेटेड इस तरह के सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं जो एक्टिविटी बताते हैं कि बच्चे ने अभी
अभी तक मोबाइल में क्या किया है, आप वो सॉफ्टवेयर्स आप बच्चों के मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं. जब मैं कॉलेज में थी उस टाइम पे मैंने सॉफ्टवेयर के नाम बारे में सुना था, वो CID करके कुछ सॉफ्टवेयर था, तो आप उससे बच्चों के मोबाइल में रख सकते हैं. और उसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये था कि बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि उनके मोबाइल में सॉफ्टवेयर है, क्योंकि वो जो सॉफ्टवेयर है उसका कोई भी शॉर्टकट की होता है, शॉर्टकट आइकन होता है, वो बिल्कुल उस मोबाइल में नज़र नहीं आएगा. तो ये एक अच्छा आइडिया है कि आप अपने बच्चों की हर एक एक्टिविटी पे नज़र रख पाएंगे और क्या बच्चे कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो आप लोगों को पता रहेगा. और आप उन्हें, मैं तो यह कहूँगी कि आप उन पे मतलब 2400 घंटे, वो बोलते हैं ना जासूसी करने से अच्छा है बच्चों से इतनी अच्छी बॉन्डिंग बना के चलें कि बच्चे आपके जो भी कर रहे हैं, इवन अगर उनकी लाइफ में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो जाए ना, तो वो आपसे बात करने में ना झिझकें. तो गाइज़ ये मेरा आज का वीडियो था. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं.